हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज मैं आपको जिस बुक का रिव्यू देने वाला हूँ वो है कंप्यूटर अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव है और जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये जो लिखा गया है आर पिल्लई, और रिक्रूटमेंट्स में जो जो काम आएगा वो बैंक पीओ, बैंक कलर, केसीसी, रेलवे, एलआईसी, एओ, ईटीसी, और इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे एमबीए, बीबीए या फिर कंप्यूटर से जुड़े जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनआईओएस या फिर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, अभी हाल ही फ़िलहाल में बेल्ट्रॉन का हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें काफ़ी प्रश्न इससे आए थे। कीमत है इसका मात्र 95 रुपया। अरिहंत का पब्लिकेशन है, देखिए, इंडिया लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से ये आता है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे फ्रंट पेज पे आइएगा तो इस तरह का मिलेगा। उसके बाद देखिए आर पिल्लई एडिटेड बाई अमर ज्योति, इस तरह से प्रीफ। और ये महत्वपूर्ण जानकारी, कंटेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ इसमें आपको 7 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें समराइज किया हुआ है। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन, इस तरह से ये पूरा डिस्क्राइब करने के साथ, ये देखिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर ये सारा देख लीजिए। इसके बाद आपको इसमें ये भी डिफाइन किया गया है कि जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सा है। ये वाला थोड़ा जीके टाइप का याद कर लीजिए। वैक्यूम 40 से 56, 56 से 63 ट्रांजिस्टर, फिर आया इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद LSI जिसके नाम से उस जानते हैं, 71 में आया था। फिर ये देखिए 5th जेनरेशन। अब देखिए यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन, इतना अच्छा बुक मैंने नहीं देखा कंप्यूटर का। जब मैंने ये परचेज किया, आई कांट बिलीव इट, इतना अच्छा बुक भी होता है और हम लोगों से कितना दूर है। तो मैं आपको यही निवेदन करूँगा, इस बुक को खरीदिए। ये देखिए इधर ऑब्जेक्टिव टाइप, जस्ट बगल में आंसर। अब क्या चाहिए हम लोग को? इनपुट को भी अच्छे तरीके से समराइज किया गया है, देखिए। और फिर वही बात, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर आंसर, फिर आउटपुट, ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर, फिर मॉडल क्वेश्चंस, फिर देखिए आंसर। और तकरीबन सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें 30+ ही प्रश्न हैं। इसमें तो 32 था, किसी किसी में 80 भी मिलेगा। प्रोसेसिंग सिस्टम देखिए कितना अच्छा डायग्राम भी दिया गया है। इसमें प्रश्न देखिए 24 प्रश्न है। इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं आप, इससे एक प्रश्न हमेशा रहता है। फिर स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज, ये देखिए ये जो फैक्ट्स डायग्राम के थ्रू और ये डिवाइड करके दिया गया, ये नहीं मिलने वाला आपको कहीं, इसी बुक में मिलेगा। अरिहंत पब्लिकेशन जाना माना इंडिया का पब्लिशर है और ये बहुत अच्छा बुक बनाता है। ओ माय गॉड, बिलीव होता है कि काश ये बुक मेरे पास है और मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों, अब अनेकों एग्जाम इसमें से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। ये देखिए शॉर्टकट कीज, फिर माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल का अलग से शॉर्टकट की दिया हुआ है। अब क्या कहना, बहुत अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ तक इस पावर पॉइंट का शॉर्टकट भी है। ये पावर पॉइंट का शॉर्टकट, यहाँ से देखिए मॉडल क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। और ये देखिए मॉडल क्वेश्चन, देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के साथ। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, देखिए लैन वैन मैन सैन, एक नंबर तो इसी से आ जाएगा। आप थोड़ा सा पाउच करके पढ़ लीजिएगा। तो बस लैन क्या होता है देख लीजिए। मैं बुक का रिव्यू क्या पूरा बुक ही दिखा देता हूँ, अगर आप में क्वालिटी है तो पाउच कर करके 10 नंबर तो ला ही सकते हैं इतना बड़ा वीडियो से। और यूं ही नहीं दिखा रहा, इसमें से आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक मीटिंग इज नोन एज टेलीकॉम। शेयर से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये तो आप भी समझ रहे हैं। कंटेंट्स फिर देख लीजिए, और जाते जाते भूल ना जाइएगा मुझे, आपका छोटा भाई आपसे बहुत रिस्पेक्ट से
रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाला देख लीजिए लास्ट में, वैकम ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लार्ज, और ये जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं दिखा देता हूँ। इसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।